ये लोग क्या कर रहे हैं? हेलो गाइस, ए ये किस उड़े, ये किस उड़े सब भाई, मैं भी उड़ तो ये हूँ मैं। करंटली यूजिंग क्रिएटिव मोड इन लॉयल एसएमपी। तो मैंने डिसाइड किया था कि इस सीजन में एसएमपी का सबसे ज्यादा रेयर सामान को हासिल करूंगा, और सबसे ज्यादा रेयर सामान क्या हो सकता है। और गाइस, मैंने इस वीडियो में एक चैलेंज लिया है। इस वीडियो से जितने भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मैं उतने ही घंटे का लाइव स्ट्रीम करूंगा, वो भी लॉयल एसएमपी का। तो सोचो, अगर इस वीडियो से 10,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मेरे को रेगुलरली 10 घंटे लॉयल एसएमपी का स्ट्रीम करना होगा। तो अगर तुम लोग चाहते हो मेरे को स्ट्रीम करते हुए देखना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर देना। तो तुम्हारे हिसाब से गाइज, एसएमपी का ऐसा चीज जो कि हासिल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से सेठ भाई, आपको क्या लगता है, ड्रैगन एग है क्या? ड्रैगन एग भाई, एसएमपी के ना पहले दिन में लोग ड्रैगन एग लेके आ गए थे। लोग निकले थे डायमंड ढूंढने, भाई ड्रैगन एग लेके आ गए थे उस टाइम। और वैसे भी भाई, ड्रैगन एग का फायदा क्या है भाई उसका? तो ऑमलेट थोड़ी बढ़ाएंगे उनका। मेरे हिसाब से तो ना गाइज, शायद बेडरॉक होना चाहिए, बैरियर ब्लॉक, कमांड ब्लॉक, शायद यही सब होते है ना सबसे ज्यादा रेयर। चल ठीक है, बैरियर ब्लॉक, कमांड ब्लॉक मानता हूँ मैं रेयरेस्ट आइटम होते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली उनको ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल होता है ना। फिर क्या होगा जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं बट सबसे ज्यादा मुश्किल है? वेट वेट, ये बेडरॉक जिस बंदे ने लगवाया है यहाँ पे, उसका हार्ट कितने लोगों के पास है? सेंपाई का हार्ट। तो फिर मैं यही क्वेश्चन लेके एसएमपी के बाकी सारे मेंबर्स को पूछने चला गया, और मेरे को ज्यादातर एक ही जवाब मिल रहा था, शायद सेनपाई का हार्ट। सेनपाई का हार्ट ही होगा यार, ऑफ कोर्स। सेनपाई का हार्ट, आई गेस सेनपाई स्पाइडर का हार्ट, सेनपाई का हार्ट आई गेस। मुझे लगता है कि सेनपाई का हार्ट। तो गाइस, सुनने में आया था कि टेडी भाई इस बेडरॉक के प्रिजन के अंदर फंसे हुए। हेलो टेडी भाई। हेलो, कौन? मैं कॉपी बोल रहा हूँ। हेलो टेडी भाई, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, बताओ क्या हुआ। तुम्हें को एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। तो सर्वर का ऐसा चीज क्या है जो कि हासिल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है आपके हिसाब से? मुश्किल का तो पता नहीं, पर मेरा टारगेट होने वाला है सेनपाई का हार्ट लेना यहाँ से निकलते ही। ठीक है टेडी भाई। तो एसएमपी के सारे मेंबर्स मानते थे कि सर्वर का सबसे ज्यादा रेयरेस्ट आइटम सेनपाई स्पाइडर का हार्ट ही है, अंटिल मेको बल्क स्टार मिला। मेरे हिसाब से तो यार, माइनक्राफ्ट में लीगली तो सबसे रेयरेस्ट चीज एक ब्लू एक्सेलोटल ही है, क्योंकि वो भाई ब्रीडिंग से भी उसके चांसेस बहुत ही कम आने के। ब्लू एक्सेलोटल, बट बल्कि भाई सर्वर के लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा रेयर चीज है सेनपाई स्पाइडर का हार्ट, क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जो कि कोई भी ले ही नहीं सकता। वो लोग एक दूसरे को मार सकते हैं उसके लिए। लेकिन उससे मेरा क्या लेना देना, मैंने तो ठान लिया था कि मैं इस सर्वर का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आइटम सेनपाई का हार्ट लेकर ही रहूंगा। वैसे तो कुछ ही दिन पहले तक सेनपाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो मैं उसको सीधा जाके मांग लेता, बट अगर तुम लोगों ने मेरे सेकंड चैनल का लेटेस्ट वीडियो देखा है तो तुम लोगों को पता होगा मेरा छोटा सा झगड़ा हो गया है सेनपाई के साथ। तो अब उसको मांगने पर तो शायद वो हमें हार्ट नहीं देगा ना सिद्धार्थ? नहीं देगा यार, और उससे लड़के भी नहीं ले सकते अपन, क्योंकि वो करना भी इम्पॉसिबल है। हाँ, मार भी नहीं सकते भाई, पटक के मार देगा हमें। तो अब क्या कर सकते हैं हम? मैं भी एक बार बात करके देखते हैं उससे भाई, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या पता बात करके ही सुलझ जाए। तो फिर हम चले गए सेनपाई से बात करने के लिए। हेलो सेनपाई। ओके, सो आप लोग ने मुझे इधर क्यों बोला? एक हेल्प चाहिए था सेनपाई। मेरे से हेल्प? ओके, क्या कर सकता हूँ मैं बताऊँ? तो मेरे को आपका एक हार्ट चाहिए था। क्यों चाहिए वो? क्योंकि मैं एसएमपी के सबसे ज्यादा रेयर सामान को इकट्ठा कर रहा था, और मेरे को पता चला कि आपका हार्ट ही सबसे ज्यादा रेयर। तो हमने सोचा भाई सेनपाई तो अपना दोस्त है, उसको जाके मांग लेते, मिल जाएगा। कभी भी हम लोग दोस्त हैं नहीं, हम लोग दोस्त हुआ करते थे पहले, अब नहीं। भाई सेनपाई, आपने शुरू में किया था दोस्ती ब्रेक करने की कोशिश। कभी भाई आपने पहले मुझे नेदरराइट आर्मर पहनाया, जबकि मैं चाहता नहीं था कि कोई भी मेरे उस गोल के बीच में आए। आपकी वजह से टेडी का वो दिया हुआ मिशन मेरा पूरी तरीके से फेल हो गया। भाई हम चाहते थे कि आप बन जाओ सबसे खतरनाक मेंबर इस एसएमपी का। एक्चुअली आपको मारना मेरा कभी गोल था नहीं, इवन दो आपने मुझे नेदरराइट आर्मर पहनाया था। वो तो मैं बस टेडी भाई को थोड़ा सा मतलब यू नो उनका टास्क कंप्लीट करा रहा था, एंड उस वक्त ऑनलाइन सिर्फ आप थे। भाई मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों एक दूसरे के एक्चुअल में दोस्त हो, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हो सकता है, आई मीन बिकॉज उन्होंने मुझे नेदरराइट आर्मर पहनाया, मैंने उनको मारा। आई गेस वी आर इवन नाउ। सब बराबर है क्या? सब बराबर लग रहा है। आजा फिर गले मिलते हैं सिन भाई। ये लो मच्छी खाओ।
कैसा गला है भाई ये। तो हम दोनों ने अपने अपने गलतियां एहसास कर लिए थे और हमने डिसाइड कर लिया था कि अपने गलतियां को पीछे छोड़ के एक नया दोस्ती का शुरुआत करेंगे। चलो सेन भाई, तो फिर दोस्ती हमारी वापस से शुरू हो गई। इसी बात पे आपको मैं अपना नया घर दिखाता हूँ। अपने घर बना? यस। दिखाओ यार, आज तक मैंने देखा नहीं आपको कोई बिल्ड। तो मैंने अभी अभी आसान गेमिंग से एक घर ले लिया था। किसे लिया, कितने में लिया, वो सब वीडियो बना के मैं अपने सेकंड चैनल में डाल दूंगा, तुम लोग जाके देख सकते हो। तो मैं सिनपाई को अपने नए घर दिखाने के लिए लेकर चला आया। ये जगह तो देखी देखी सी लग रही है कोभी भाई। अच्छा है, सब लोग देख ही देंगे भाई इसको, इतना अच्छा है। नहीं नहीं, कुछ ज्यादा ही देखी देखी लग रही है, एज ऑफ की मैंने बनाई ये बेस, मैंने बनाया कोभी भाई, आपने नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई, कुछ भी। हाँ, मैंने अपने हाथों से बनाया थोड़ी देर पहले यार। भाई मैं तो आसान से लिया हूँ इसको, आसान से। और मैंने आसान को ये भेज दिया था एज अ गिफ्ट। हैं? वाओ, मतलब आपका ही घर है। तो इधर पे मेरा फिर से पोपट हो गया था। जो घर दिखाने के लिए मैं सिनबाई को लेकर आया था वो उसी का घर हुआ करता था। बट जो भी हो, अब हमारा दोस्ती वापस से हो गया था और अब तो सिनबाई मेरे को इजीली उसका एक हार्ट दे देगा। पर देख लेता हूं ना अपने इस घर को क्या क्या किया खरीदने के बाद। हाँ, अरे टाइम ही नहीं हुआ ना अभी, कुछ किया नहीं है भाई, बस अभी सामान ही नहीं है इधर, कुछ नहीं रखा, जैसा खरीदा हूँ वैसा ही है। अरे यार ये बीचों बीच आप कितनी गंदी लग रही है। अबे ए ओ यू गो रोबी भाई, अबे वापस एक और बार बिट्रेयल भाई। मैं बार मैंने कुछ मुझे बार बार आप ट्रस्ट करवाते हो भाई। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने किया था ये सेट, फिर मैंने तो नहीं किया था जब मैं बिल्ड बना रहा था भाई। मेरे को क्या पता ये आसान का घर है भाई ये। हर बार का यार, हर बार का है। मुझे नहीं करना टीम अप, ना ही दूंगा मैं कोई हार। सिन भाई मैंने नहीं किया था भाई, मैं क्यों करूंगा बताओ, अभी तो दोस्ती हुई है, मैं क्यों मारूंगा आपको। डोंट केयर, मैं जा रहा हूँ। तू समझाना सिद्धार्थ उसको। अरे बार का है तेरा, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो ही जाता है, अभी बम लग गया। अरे यार सिनपाई देने वाला था हार्ट। अब तो सिनपाई और मैं वापिस से दोस्त बनने ही वाले थे, तभी ये बम फटा और सब कुछ खत्म हो गया। बट आखिर ये बम रखा किसने? हमारा पूरा शक सिर्फ एक ही इंसान के तरफ जा रहा था। क्यों किया आपने बताओ? ब्रो ये किसने भाई, मुझसे क्या पूछ रहे हो? कुछ बोल ही नहीं सकते भाई, आपने घर दिया फटा बम उसके अंदर। तो बताओ, एक बात बताओ। हाँ। भाई एक बात बताओ, उस समय जब सेनपाई ने मुझे घर गिफ्ट किया था, हाँ। उसके जस्ट बाद मैंने आपको घर दिया था, फिर तो मैं भाई मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? क्या हुआ क्या था ये तो बताओ पहले। अरे क्या पता, घर दिया आपने फिर बम फटा घर के अंदर से एकदम से। भाई मैं कह रहा हूँ वो सेनपाई ने किया होगा भाई, वो बहुत चला गया भाई, ये सब ऊपर ही फटा है बम पागल। अच्छा सेनपाई के ऊपर ही फटा है? अबे यार भाई वो बहुत मास्टरमाइंड है, वही कुछ किया होगा, मैं बता रहा हूँ। खुद को बम फोड़ेगा क्या भाई पागल लेके हो भाई। ऑनेस्टली बोले तो मुझे सच में नहीं पता यार, अगर आपको लग रहा है कि इसको मैंने तोड़ा है तो एक बात बताओ, मैं आता ही क्यों यहाँ पे उड़ते हुए आपके स्वागत करने दिखाने के लिए कि आप एकदम इनोसेंट हो। हाँ, आपको भाई डबल गेम खेल रहे हो आप भाई। ठीक है भाई, अभी मैं अरे मत मारो यार, अरे सुनो यार 3v1 नहीं कर पूजा करेगा भाई, मारी दिया भाई। भाई यार कॉपी भाई क्या मतलब, कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन होते कि नहीं, मतलब यार आया और अचानक से मार दिया यार। भाई अगर मैंने किया होता तो वापस आता मैं मरने के लिए, अभी वापस मार के हट लेने का प्लान है तो मार लो भाई, फिर मैं नहीं कुछ बोलूंगा, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ आज पहले। तो फिर हमने आसान के साथ बहुत टाइम तक इंटरोगेट किया, रात हो चुका था बट अभी तक भी आसान मान नहीं रहा था कि उसने बम को रखा था, और अब तो हमें भी विश्वास होने लगा था कि शायद ये काम आसान ने नहीं किया होगा। मुझे क्या लग रहा है आसान भाई ने नहीं किया, क्योंकि आसान भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है ही नहीं। देखो बार बार आ रहे हैं, इन्हें नहीं मारा, मतलब इन्हें बॉम्ब्स नहीं लगाए मेरे, मुझे तो यही लग रहा है भाई। आपको अभी भी लग रहा है? अभी वापस आओ, मार दो यार, मैं वापस आ जाऊंगा, खत्म है मेरा कहानी आज। क्या यार मैं आपको बम लगा के उड़ाऊंगा बस, मैं यही बचा है भाई। अब सोच के तो देखो यार। भाई मेरे को वैसे अच्छा फील नहीं हो रहा, अगर आपने नहीं किया तो फिर हम भाई गलत कर रहे है, तो मैं अभी के लिए भाई आपका हार्ट वापिस दे रहा हूँ, आपके सामान भी वापिस कर रहा हूँ। बट अगर हमें बाद में पता चला आसान कि आपने किए थे सब, तो फिर हम आपको सीधा बैन ही कर देंगे सर्वर से भाई। अरे बिल्कुल भाई कर सकते हो यार, अगर मैंने किया होगा तो पक्का बैन कर देंगे अभी। हाँ ठीक है भाई, चलो अगर कोई भी प्रूफ मिल जाता है ना, हाँ, कि मैंने, हाँ, किया है, हाँ, पक्का आप बैन कर सकते हो मेरे को, मार के आप तीनों हो, मैं अकेला हूँ, कर सकते हो, मेरे पास कोई टीम। ठीक है भाई, चलो जाओ भाई इधर से यार, क्या है ये, कैसा घर खरीद लिया।
तो हमें तो पता चल गया था कि असान ने ये काम नहीं किया है। हमने अपने TNT प्लेस करने वाले मुजरिम को थोड़ा सा ढूंढने का ट्राई तो किया, बट हमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने इस काम को छोड़ दिया और वापिस से सेनपाई के हार्ट को कलेक्ट करने के काम में लग गए। इतने दिनों बाद फाइनली PSGY भी सर्वर में आ गए थे और PSGY हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो फिर हमने उनको सब कुछ बता दिया जो भी हम कर रहे थे। तो तुम लोग इतने दिन से सेनपाई का हार्ट ढूंढ रहे थे क्या? हाँ। तो तुम लोग को पता नहीं क्या, पहले दिन ही तो मरा था सेनपाई, याद देंगे जब सर्वर चालू हुआ था? हाँ। आपके सामने ही तो मारा था पलकी ने। तो फिर मैं फटाफट से चला गया अपना पहला दिन का लोयल एसएमपी का स्ट्रीम देखने के लिए। सब लड़ रहे सेनपाई को मार दे इन्होंने। गाइस सेनपाई को मार दे इन्होंने। हाँ PSGY भाई सच बोल रहे थे, बल्कि ने पहले दिन ही सेनपाई को मारा था। भाई इसका मतलब सेनपाई का हार्ट बल्कि के पास होगा, और अगर उसको पता है कि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है तो उसने संभाल के रखा होगा वो हार्ट। एक काम करते हैं, बल्कि को स्पाई कर दें, क्या पता कुछ मिल जाए। तो फिर हम बल्कि को क्लोजली स्पाई करने लग गए। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किधर पे बेस है, किस किस से SMP में मिलता है, सारे चीजों का ध्यान रख रहे थे हम। और फिर एक दिन रेंडर से चले जाएगा जल्दी। हाँ पता नहीं किधर चला गया, उसको पता नहीं चलना चाहिए गाइस। थोड़ा पीछे रहना। सो गया। अरे यही पे चलो शायद वो घर जा रहा है। किधर चला गया? हो गए अपने कासल जा। आवाज तो नहीं सुनेगा ना भाई। एंडरमैन से PVE कर रहा है। किधर गया वो? अंदर अरे क्रैच करके चलो भाई। ठीक है नीचे जा रहा है। नीचे को कहां गया? उधर चला गया। उसका नेम टैग दिख रहा है, उधर पे जाके रुका है। उधर इधर पानी तक आ जाओ। अरे पागलो एक्सपीरियंस बोटर। अरे ये गए वो मछली बैठेगा। नीचे गया। ए आजा सिद्धार्थ, करके चलो भाई, आवाज मत करो ज्यादा। वो उधर पे पीछे देख ना ले। किधर पे तो गया भाई बल्कि। ये क्या लगाया? हैंग ऑब्सिडियन। इधर पे कुछ तो होगा भाई, जो भी हो उसके अंदर चलते हैं। आजा चल, एक काम करते हैं। आवाज मत करो भाई ज्यादा। भाई साइड से तोड़ते। ये सब क्या है गाइस? मिल गया बल्कि भाई। भाई गाइस मिल गया। गुड। पोस्ट। ये क्या कर रहे हो? इधर छुपा के रखे थे भाई। यार मैं ट्रेजर डैम सिंपल गार्ड। तो जो चीज हम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वो चीज बिल्कुल हमारे आंखों के सामने था। तो सबसे पहले तो हमने बल्कि को हार्ट मांगा। एक और भाई हार्ट नहीं दूंगा, देखो मैं प्लीज। नहीं बल्कि भाई, हार्ट तो देना पड़ेगा, इतना मेहनत किया भाई। नहीं भाई सॉरी बल्कि भाई, मत मारो। मार क्यों रहे हो? मारो भाई बल्कि भाई को, खत्म करो, लेके जल्दी हम। बट बल्कि भाई मान नहीं रहे थे हार्ट देने के लिए, तो फिर हम लड़ने लग गए। और तभी भाई ये जा रहा है। भाग क्यों रहा है भाई? हार्ट लेके चला गया। ए साले तुम क्यों ऐसे? ये क्या है? ए कहां गए? अबे हमारे दो बंदे हो गए तो भी भाई, ये क्या करा तुम लोगों ने यार? ये सेनपाई कहां से आ गया? अरे सेनपाई है किधर? अब चला गया यार ऊपर लौट करके। भाई क्या कर कॉपी भाई यार, व्हाट द हेल भाई यार। मैं भाई मैं इतनी मेहनत से सब चीज क्रिएट कर, तुम लोग यार तुम लोग उसको यहाँ पे ले आए। मैं कुछ सेट कर रहा था, अभी तो ट्रेजर हंट स्टार्ट भी नहीं हुआ भाई। हमें नहीं पता, हम तो तीनों ही आए थे। वो हमारा पीछा कर रहा था शायद सेनपाई। देखना ये देखो इधर चल रहा है ये। बोल रहा था मैं भाई, ये देखना गोरिल्ला की तरह करने लग गया भाई। ये था भाई सच, ये था। तो फिर रिप्ले देखने के बाद हमें पता चला कि सेनपाई स्पेडर भी हमारा पीछा कर रहा था, और हमसे भी पहले सेनपाई आके उसका हार्ट लेकर चला गया। देखो गाइस मैं अच्छे से जानता हूँ सेनपाई को, और वो इतने इजीली तो उसका हार्ट अब हमें देने नहीं वाला है। और मैं भी कम नहीं हूँ भाई, मैं भी उसका हार्ट ले बगैर चुप बैठने नहीं वाला हूँ। तो अब शायद टाइम आ गया है दोस्तों अपने सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करने का। भाई लेकिन ये बहुत रिस्क किया, अगर जीरो को पता चल गया कि हमारे पास क्रिएटिव है तो हमेशा के लिए बैन कर देगा यार हमको। देखो भाई बैन तो करेगा वो पक्का, मेरे को पता है लोयल SMP के हर एक सीजन से बैन होने वाले हैं हम अगर हमने क्रिएटिव यूज किया। बट एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, तुम्हें अपने बाप का भी नहीं। तो फिर अगले दिन हमारी पूरी चैट गैंग और सेनपाई हम लोग साथ ही एक ही बीसी में बैठे थे, और तभी मैं सेनपाई को दिखाने के लिए स्क्रीन शेयर करने लगा। ओके तो जैसे कि तुम देख सकते हो मैं लोयल SMP में हूँ। या और अब ये देखो मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करने वाले हो?
अरे अलग टाइप की, ये क्या कोई नया ग्लिच ढूंढा है क्या आपने? हम नो फॉल ये क्या कॉपी भाई बताओ। हाँ आया, ये तुमने लगाएगा? ये पता नहीं, शायद मेरे पास था ना, हो सकता है मिस क्लिक कर। एक सेकंड, व्हाट द हेक कॉफी भाई, एक सेकंड क्या हो रहा है ये, मुझे भी बताओ प्लीज। ये लोग क्या कर रहे हैं? हेलो गाइस, ए ये किसे उड़े, ये किसे उड़े सब भाई? मैं भी उड़ डूड कॉफी भाई, ये क्या है मुझे भी बताओ प्लीज, बताओ मुझे भी करना है ये सब। ये देखो सिर भाई हम पे है कॉफी भाई, क्रिएटिव लॉयलिज्म पे कैसे किया ये? अरे भाई तोड़ के भाई, मैं अभी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मुझे भी तो आ जाओ भाई, आ जाओ। आ गया मैं, आ गया, आ गया, आ जाओ भाई। इधर पे हमने जादू दिखाई थे। अरे बाप रे, आ गए भाई, यस आ गया हूं। कैसे किया ये यार, इतना भारी ग्लिच तो जानना पड़ेगा मुझे भी कॉफी भाई। ग्लिच इतने टेक्निक है भाई, बाप रे। अरे ये देखना कैसे कैसे, 2-1 अरे भाई प्लीज कॉफी भाई प्लीज। ये क्या भाई, शेयर योर सीक्रेट्स। यस जादू है भाई, सबको थोड़ी देते फिरेंगे कोई भाई, क्या यार। हाँ भाई, ऐसे इस फ्री में थोड़ी मिलेगा भाई, मुझे तो बता ही सकता। कुछ दिन पहले होता तो बता देते भाई, आप तो चले गए भाई, धोखा दे गए भाई। आपने वो सब फोड़ दिया था, आपको याद नहीं है क्या? चलो ठीक है, एक डील करते हैं, क्या चाहिए आपको बताओ। मिस एसएमपी का सबसे ज्यादा रेयर सामान को इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे को वो मिल भी गया था, बट भाई तुम पीछे से आके लेकर चले गए भाई, हमारा पीछा कर रहे थे। तो मेरे को जो मेरे को मिलते मिलते रह गया वही सामान चाहिए, आपका हार्ट। मेरा हार्ट, I mean... या बस एक हार्ट भाई, एक हार्ट दे दो और हमेशा के लिए लॉयल एसएमपी में क्रिएटिव आपके पास। एक ही हार्ट है, yes? क्रिएटिव मिल रहा है, उससे मैं लाखों हार्ट बना सकता हूँ। ठीक है कॉफी भाई, yes. फेयर डील, या ये लो मेरा हार्ट जो मैंने चुराया था, यस, एंड मुझे अपने राज बता दो। कॉफी भाई, कॉफी भाई, कम ऑन कॉफी भाई, कम ऑन, लेट्स गो कॉफी भाई, मजा आ गया। तो इधर पे तुम लोगों को लग रहा होगा कि सिनपाई का हार्ट लेके उसको क्रिएटिव का सीक्रेट क्यों नहीं बताया, साला स्कैम करता है कॉपी। अरे भाई मैं उसको क्रिएटिव दे देता, बट उसको क्रिएटिव देने के लिए पहले हम पे तो क्रिएटिव होना चाहिए ना भाई। तो सच तो ये है कि हम पे भी कभी क्रिएटिव था ही नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपने रियल लॉयल एसएमपी का स्पॉन का एक स्कीमेटिक बनाया और उसको अपने प्राइवेट सर्वर पे पेस्ट कर दिया, तो मेरा प्राइवेट सर्वर भी लॉयल एसएमपी का डुप्लीकेट कॉपी बन चुका था। और ये मेरा सर्वर था तो इधर पे तो मेरे पास क्रिएटिव क्रिएटिव सब कुछ नहीं वाला था, तो मैंने उसी वाले वर्ल्ड का स्क्रीन शेयर करके सेनपाई को दिखाया। हम सब लोग पहले से ही अपने दूसरे अकाउंट से रियल लॉयल एसएमपी के अंदर बैठे हुए थे, और जब सेनपाई ने ज्वाइन किया तो फिर हम स्कैफोल्डिंग वाला ग्लिच को यूज करके उड़ने का नाटक करने लग गए। तो रियल लॉयल एसएमपी के अंदर हम पे कभी भी क्रिएटिव था ही नहीं, तो कुछ इस तरह से हमने सेनपाई का पोपट बनाया और सर्वर का सबसे ज्यादा रेयरेस्ट आइटम उसका हार्ट ले लिया। इससे ही एक और मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो, और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कमेंट में जाओ और एक येलो हार्ट कमेंट कर देना।